नमस्कार दोस्तों, आज राजधानी के ये रविंद्र भवन करके गार्डन है और यहाँ पर मैं चाय पीने के लिए रुका था। उसी टाइम में मुझे एक भाई मिले हैं जो यहाँ पर बैठ के परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तो मैंने चाहा कि मैं इनसे बात करूं। जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने अपना नाम बताया। अब बाकी का आगे का हमारे भाई सब कुछ बताएंगे, कृपया करके आप लोग सुने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनोज श्रीवास्तव। जोर से बोलिए। मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बम्बई में रहता हूँ। आप भोपाल किस काम से आए थे? भोपाल में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के सिलसिले में पहुँचा हूँ। तो आप बैठ के जो प्रभु यीशु मसीह के भजन कर रहे थे, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्मरण करने पर मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ और इतना अच्छा लगा कि मैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए 2 मिनट निशब्द हो गया। मेरे पास शब्द नहीं थे कि उस अनुभूति को मैं सही ढंग से अभिव्यक्त कर सकूं। परंतु आपका नाम तो मनोज श्रीवास्तव है, फिर आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कैसे क्यों कर रहे थे? वो मैंने पुस्तक में उनकी ध्यान की विधि पढ़ी थी, तो पुस्तक में ध्यान की विधि पढ़ते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये मुझसे कुछ कह रहे हैं, और मैंने आँख बंद कर जब उनको ध्यान किया तो मुझे लगा कि वो ये कह रहे हैं कि दो हेल्प देम। आई कैन से इन इंग्लिश फ्यू वर्ड? हाँ हाँ, यू कैन टेल। सेइंग दैट कि हेल्प देम दोज आर अनेबल टू हेल्प देम सेल्स। ओके, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे हैं? So this word is you tell Hindi because हमारे दर्शक है वो ये इस इन शब्दों का अर्थ जब मैंने समझा तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु हैं। तो क्या आप उनको मुक्तिदाता मानते हैं? उनको मैं कर्म के रूप में मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म प्रदान करने वाले मार्गों में साथियों का मसीहा मानता हूँ। आपने जीवित परमेश्वर को मुक्तिदाता करके मान लिया क्या? प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु यीशु मसीह को मैंने मुक्तिदाता और परमेश्वर मान लिया है। अच्छा। और इस मानने पर मुझे खुशी भी है, और मैं अपने साथियों को इस अनुभूति के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ आप लोगों को। और मेरे और साथियों से आपको मिलने के लिए भी आपका इच्छा होगी जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको मैं उनसे भी अवश्य मिलवाऊंगा। जरूर। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया हो अभी तक, तो आप कुछ 2 शब्द में हमें बता सकते हैं कैसे आप प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए? मैं पहली बार मेरे जीवन में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। वेरी गुड। और उस समय जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं हॉस्पिटल में निश्चित हो गया था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं अस्पताल में हूँ। यस। तो उन दिनों जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिन लोगों ने मुझे तबीयत मेरी ठीक पूरी ठीक की, उन लोगों से मेरी बातचीत होते 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 बातचीत ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि जैसे वो जो कुछ कह रही हैं वो मैं सुन रहा हूँ, और वो जो मुझसे कहती जा रही हैं वो मैं करता भी जा रहा हूँ। तो मुझे लगा सिस्टर जो मेरे लिए मेरी बचपन से ही मेरी साथी हैं वो लगातार मेरे साथ मैं काम कर रही हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। और फिर मुझे उनकी भाषा एकदम आसान सी लगने लगी, जैसे वो कुछ कह रही और मैं इजी समझने लगा। तो उनकी इजी भाषा जो थी, आसान भाषा जो इंग्लिश वो बोल रही थी, वो मेरे लिए तभी ठीक करने वाली भाषा हो गई। यानी कि सिस्टर के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बात की। ओके। तो अब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए और दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में? वो जो मैंने हिंदी में उसका अर्थ समझा है कि आप स्वयं प्रसन्न रहें और साथियों को प्रसन्न रखने के लिए निरंतर कर्मशील रहें। अच्छा, यह उनका संदेश है। ये किसका संदेश है? प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि सदा आनंदित रहो। भाई कह रहे हैं मनोज श्रीवास्तव यहाँ पर कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और लोगों को भी आनंदित बनाओ। और क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द और बोल दीजिए। तो और हम सब आपके साथ निरंतर इस सेवा में संलग्न हैं, तो आपके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हम लोग साथ में, आप हमसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। ओके। और हम सेवा के लिए तत्पर हैं। देखिए, हमारे मनोज श्रीवास्तव भाई जो मुंबई से हैं और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ काम करते हैं, उन्होंने भी जीवित परमेश्वर को जाना और वो बहुत आनंदित है, बहुत खुश है, हमें बहुत अच्छा लगा। पर अब हम उनसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि आपने जब अपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया तो क्या यह आपने किसी के दबाव में किया? नहीं। आपने प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार किया किसी दबाव में किया? नहीं, ऐसा किसी दबाव में आकर या किसी इम्प्रेशन या अन्य किसी प्रकार की
उस पर नहीं किया, ये मेरी स्वयं की अनुभूति है। तो आपने मन परिवर्तित किया है, यानी कि धर्म परिवर्तित नहीं किया है, तो इस मन परिवर्तित करने के लिए कहीं कोई ईसाई लोगों ने आपको पैसा वगैरह दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ पैसा वैसे की कोई पैसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपने स्वेच्छा से यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है। ओके, वेल डन, थैंक यू सर, थैंक यू।